और जो दीप सिद्धू है वो बीजेपी का 26 जनवरी का हिंसा बीजेपी ने कराई, ये तो जेल जाने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है। सरकार कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। तो इस बीच यहाँ पर जैसे कि आंदोलन जो कल हल्का होता नजर आ रहा था, लेकिन आज फिर एक बार आंदोलन में तेजी आई है। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद यहाँ पर किसानों का जो जुटने का सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ पूर्व सांसद उदित राज जी मौजूद है। उदित राज जी, आप यहाँ के समर्थन में आए हुए किसानों? मैं कल भी था और पूरा ये ड्रामा देखा, भारी पुलिस इधर थी इधर थी और एक भय का माहौल बन गया था, लोग कम हो गए थे। फिर बीजेपी के विधायक आ गए गुंडे को लेकर के, तो पूरा टेरराइज कर दिया और एक स्थिति बन गई थी कि राकेश टिकैत अपनी गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि अधिकारी लोग आ जा रहे थे, मैं बगल में खड़ा हुआ था। क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ तो इसलिए सोल्जर जो सोल्जर नहीं कर सकता था, लेकिन जब उन्होंने राकेश टिकैत ने देखा कि ये गुंडे आ गए हैं और उनके गिरफ्तारी के बाद में इनके साथ में मारपीट होगी और सामने मारपीट कर रहे, तब वो भावुक हो गए और तब जो अंदर का जो उनका भावना थी जग गई कि ये जो 60 दिन से ज़्यादा हमारे साथ में लोग रहे हैं, ये इनके साथ में अपमान होगा, मारपीट होगा, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा, और इसी को वजह से माहौल पूरा बदल गया। देखिए, 2 महीने हो चुके हैं इस पूरे आंदोलन को, 26 जनवरी को हिंसा भी होती है तो उसके बाद ये 133 लगाई गई थी इस एरिया में। ये कहा जा रहा है कि लोकल लोगों को भी परेशानी हो रही है, ये जो सड़क पर जिस तरीके से जो धरना चल रहा है बीते 2 महीने से, इसे कई रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं, तो लोगों की परेशानी को देखते हुए कहा जाए। ये बात तो सच है कि परेशानी तो होती है, अब जैसे अब देश की आज़ादी के लिए लोग जो लड़े, जेलों में भी रहे, अपने परिवार को भी खोया और बहुत सारी यातनाएं झेली, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। मैं यही कहूंगा कि आसपास के लोग जिनको परेशानी हो रही है वो इसको बर्दाश्त करें और इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। अच्छा, मोदी जी जिम्मेदार, आज ये चाहे तो उठ जाए, मोदी जी जब चाहे तो उठा दे। अच्छा, ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जो मंशा है वो ये है कि इस आंदोलन को जबरदस्ती खत्म करवा दिया जाए? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मेरे सामने बीजेपी के गुंडों ने मारा, घुस करके मारा, और जिनको मारा गया उन्हीं के खिलाफ केस बना। कल भी गुंडे आए, आज भी सिंघू बॉर्डर पर हजारों पुलिस थी, जबकि कोई जा नहीं सकता था वहाँ पर, फिर भी वो गए, वहाँ वो गए पुलिस के सामने, पुलिस कुछ नहीं किया और ईंट पत्थर चलाया, टेंट तोड़ दिया, वॉशिंग मशीन को बर्बाद कर दिया। ये तो सरकार गुंडागर्दी करा रही है। सर, एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें किसान जो है वो तलवार लेकर हमला करते हुए नजर आ रहा है। भाई देखिए, अपने बचत में क्या कर नहीं करेगा वो, जब पुलिस के सामने मशीन तोड़ी गई, टेंट तोड़ा गया और पत्थर मारे जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं बोल रही है, तो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर सकता है आदमी? ये बताइए, जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा कि ये पूरा षड्यंत्र है जो सरकार रच रही है, लोगों को मारपीट करने की भी कोशिश है, तो इसको आप मानते हैं साजिश है? योगी जो अपना तरीका है वो यहाँ अप्लाई कर दिया था, उन्होंने गलती कर गए, कल शाम तक को पता लग गया इनको, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी काट दिया था, पानी बिजली काट दिया था, जैसे यूपी में मारपीट करके हर चीज़ को कर देते, अब पूरा उन्हीं का वोटर है यहाँ, ये 90% जो वोटर हैं ये बीजेपी के हैं, अब उन्हें पता लग रहा है कि गुंडागर्दी का क्या असर पड़ेगा, चुनाव आने दीजिए, ईवीएम सहारा नहीं होगा तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, अगर सरकार चाहे तो कुछ घंटे भी ना लगे आंदोलन खत्म करने में, फिर आप संस्कार की मंशा पर कैसे सवाल करते हैं? भाई ऐसा है, कर ले सरकार, ये तो जेल जाने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है, सरकार कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, 26 जनवरी की हिंसा पर क्या कहेंगे आप? 26 जनवरी की हिंसा बीजेपी ने कराई है, जब रूट तय था अक्षर धाम से अप्सरा जाना था तो आगे का रूट खोल दिया और अप्सरा तक के तरफ जो रूट था उसको बंद कर दिया, और जो दीप सिद्धू है वो बीजेपी का आदमी है, मोदी जी का सागिर्द है, और 4 घंटे तक लाल किले पर कोई पुलिस नहीं थी, उनको हुड़दंग करने दिया गया ताकि बदनाम कर दिया जाए कि सिख तिरंगा का सम्मान नहीं करते हैं। दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है तो फिर वो जब किसानों का जो मंच लगता था उस पर आकर उसको भाषण देने का मौका क्यों दिया? भाई हर पार्टी के आदमी आ सकता है, मैं भी यहाँ आ गया हूँ और ये मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मैं एक सपोर्टर के रूप में हूँ, मंच में जाना मना है, मंच पर मैं नहीं गया, अगर इस मुद्दे को लेके आ सकता तो कौन किसको रोक सकता। अब आगे क्या होने वाला है? आगे देखिए, आगे ठीक होगा और मोदी जी को
तीनों कार्यालय कानून को वापस लेना पड़ेगा, एमएसपी को लीगल बेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ उदित राज जो बता रहे थे कि किसानों को यहाँ पर, वो तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले हैं जब तक जो सरकार है वो तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है।